students, how are you? I am fine. I hope you will be fine. Today I am here because today is your second online class. Today I will explain about our flag in Urdu. इस नज़म के शायर एडगर एल्बर्ट गस्ट हैं और वो इंग्लिश अमेरिकन पोइट हैं. वो अपनी शायरी की वजह से लोगों के दरमियान बेहद मशहूर थे. इन्होंने अपनी इस नज़म को 1922 में पब्लिश किया और अपनी इस नज़म में उन्होंने परचम यानी किसी भी मुल्क की परचम की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या अहमियत होती है, वो बयान करने की कोशिश की. इसके अलावा परचम के जो भी अपने वतन के हवाले से फ़ख्र का बायस होता है वो बताने की कोशिश की है कि हमें हमेशा कोई भी मुसीबत या कोई भी कुदरती आफत हो, हमेशा झंडे के अपने परचम के साए तले जमा होना चाहिए. इन्होंने मुख्तसरन ये बताया कि किसी भी मुल्क के परचम उस कौम की शनाख्त होती है और हम लोगों को आपस में हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए और कभी भी एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए और किसी भी अपनी अना या अपनी ज़ाती लालच के लिए अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. चाहे कोई भी हालात हो, हमें हर हाल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और पूरी दुनिया के अंदर अपने मुल्क का अपने झंडे को जो है वो लहराना चाहिए या उसका करना चाहिए. नाउ क्लास आई विल एड सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर फ्लैग. वी शुड नो अबाउट आवर फ्लैग. आई एम गिविंग सम इंफॉर्मेशन, सम जनरल नॉलेज क्वेश्चन इन योर वर्कशीट. लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग. पाकिस्तान का नाम क्या है, पाकिस्तानी परचम का नाम क्या है. हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग. पाकिस्तानी परचम को किसने डिजाइन किया. हु वेव द फ्लैग ऑफ पाकिस्तानी फॉर द फर्स्ट टाइम. पाकिस्तानी परचम को सबसे पहले किसने लहराया. व्हाट डज स्टार एंड मून रिप्रेजेंट इन पाकिस्तानी फ्लैग. इट इज़ वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस इन योर वर्कशीट कि पाकिस्तान के परचम के अंदर सितारा और चांद जो बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्रेड सिक्स, लिसन टू मी केयरफुली. आई एम गिविंग वर्कशीट रिलेटेड टू दिस यूनिट एंड आई एम गिविंग सम वोकैबुलरी क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस अबाउट फ्लैग. यू विल हैव टू कंप्लीट ऑन टाइम एंड यू मस्ट बी सबमिट बिकॉज दिस यूनिट इज इंक्लूड योर मिड टर्म सिलेबस. सबमिशन डेट इज ऑल्सो गिविंग योर वर्कशीट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.